हम लोग पहुँच चुके हैं लाल किला। आप टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको फायदा होगा। अब दिल्ली चलो दिल्ली है खास महल और जेंट्स यहाँ पे अलाउ नहीं थे, बना के खड़ा कर दिया जाता है। ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, यहाँ पे खाना कोई ना खाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं लाल किला। आगरा का अगर देखना है तो मैं आई बटन में दे दिया, उसको क्लिक कीजिए और देख लीजिए। तो आज हम आपको दिल्ली का लाल किला दिखाएंगे, वो है चांदनी चौक में। अरे ठीक है, वो लाल भी है। चलो मिलते हैं लाल किला में। चलो 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 चलो। हम लोग पहुँच चुके हैं लाल किला। गर्मी में क्या बहुत गर्मी है दोस्त। लाल किला के बाहर ही घूमे, आज हम जाएंगे अंदर। तो आइए चलते हैं अंदर का। अंदर जाने का लेकिन पैसा भी लगता है, इसलिए जो है पैसा लेकर आए अपने घर से। डायरेक्ट आना है लाल किला, तो गेट नंबर 4। जी हाँ, गेट नंबर 4 और सामने मिलेगा आपको लाल किला। लाल किले पर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी। उस दिन से जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी जगह से स्पीच देते हैं। यहाँ नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया गया है जो है इंडियन आर्मी का फ्लैग। इसे रोज सुबह आर्मी फ्लैग लगाते हैं और शाम को फ्लैग उतार लेते हैं। लाल किला के अंदर जाने के लिए टिकट यहाँ से लेना पड़ेगा आपको। स्कैन कर सकते हैं, इधर महिलाओं के लिए है और इधर जेंट्स के लिए। 15 वर्ष से कम आयु निःशुल्क है। आप मतलब ऑफलाइन टिकट कर सकते हैं और इधर ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, आपको कैश पे करोगे तो आपको लगेगा 80 रुपीज़ और वैसे करोगे तो 50 रुपीज़ लगेगा पर हेड। आप यदि लाल किला में कुछ सामान लेके आते हैं तो यहाँ पर आप मतलब अपना सामान जमा कर सकते हैं क्लॉक रूम में। हम लोग यहाँ से आ गए हैं चेकिंग करवा के और हम लोग अब जा रहे हैं लाल किला के अंदर। तो आइए जानते हैं भारत के गौरव माने जाने वाले दिल्ली के लाल किले का इतिहास। मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं लाल किला के अंदर। पहली बार दिल्ली में 10 साल रहने के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लाल किला के अंदर। देख सकते हैं, वाओ, सो ब्यूटीफुल। मुगल बादशाह बाबर के साथ शासन किया था और शहंजा जो 5वें मुगल बादशाह थे उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया गया था। उन्होंने 11 साल शासन किया था और दिल्ली को शहंजा के नाम से बसाया गया था। इस किले को 1947 में बनाना शुरू किया गया था। तो 1947 और 1948 के बीच में ये किला 9 सालों में तैयार हुआ था। ये किला 2.4 किलोमीटर परिमाप में है। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और लाहौर गेट। चकता चौक मीना बाजार है जहां शहंजा की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा। ये मार्केट उनके लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज़ का सामान मिलता था। इस मार्केट में लेडीज़ ही सामान बेचती थी और लेडीज़ ही सामान खरीदती थी। यहाँ पुरुषों का आना वंचित था। सिर्फ गार्डन ही गार्डन दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इस बारिश के मौसम में ग्रीनरी देखिए, सिर्फ हरा ही हरा है। दरवाजा आगे है, नौबत खाना इधर है और लाहौरी दरवाजा इधर है। ये है नौबत खाना, इसे वेलकम गेट भी कहा जाता है। इस बिल्डिंग में हर रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे क्योंकि शहंजा का जन्म रविवार को हुआ था और शहंजा का जन्मदिन हर हफ्ते मनाया जाता था। ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है वो गोल्ड प्लेटेड होते थे जिससे सनराइज के समय उजाला दे सके। ये है दीवानियाम, जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट हुआ करते हैं तो उस समय में ये कोर्ट हुआ करते थे। एक तरफ लेडीज बैठती थी और दूसरी तरफ जेंट्स और न्याय का फैसला सुनाया जाता था। ये है बादशाह का सिंहासन। शहंजा के 4 बेटे थे। ये जो 4 पिलर दिख रहा है वहाँ चारों बेटे बैठते थे। पहले ये मखवल की गद्दी हुआ करती थी और बीच में बैठते थे शहंजा। नीचे के टेबल पर वजील बैठते थे। पहले आम लोग अपना न्याय मांगने के लिए आगे वजील को सुनाते थे और वजील बादशाह को सुनाता था। उसके बाद बादशाह सोच विचार करके अपना फैसला सुनाते थे। और ये जो है दोस्तों, ये जेल है। पहले कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था। इसे नहर वाइस्ट कहते हैं, जन्नत की नहर। गर्मियों के समय इसमें पानी छोड़ा जाता था जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रहता था, इससे गर्मी नहीं लगती थी। इस महल में बादशाह बैठते थे और सामने फुवारे को देखकर आनंद लेते थे।
तो दोस्तों ये है खास महल, और ये जो डिज़ाइन जो इंस्पायर है ये ताजमहल से इंस्पायर किया गया डिज़ाइन है। ताजमहल वीडियो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आई बटन पर लगा दूंगा। ये है खास महल जो बादशाह के रहने का कक्ष था, 3 बेडरूम सेट, और इस बालकनी से बादशाह आम जनता को अपना दर्शन देते थे। मंदिर की ओर कुछ क्रांति करने जा रहे हैं। सिपाही बने स्वतंत्र सेनानी, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा, ये देखिए कुआं बनाया गया है छोटा सा जलियांवाला बाग का। शो लाइट होता है, मतलब जो शहीद हुए उनकी श्रद्धांजलि दी जाती है जलियांवाला बाग में। इस वाले पे शहीद हुए देखिए, उन सब का नाम लिखा गया दीवारों में। तो 5 बजे मतलब सारे म्यूजियम बंद हो जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा 5 बजे से सारे म्यूजियम को कवर कर ले। 44 वो 5 रुपए का नोट, ये 1 रुपए सेंट देखिए, 100 रुपए का उनकी किताबें पैसे। हम लोग लाल किला के अंदर में ऐसा रेस्ट्रो है यहाँ इस तरह से रेस्ट्रो है यहाँ का। ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, लाल किला आइए, भूख बहुत तगड़ा, तो खाना खाइए मत। खाने का ऊपर यहाँ पे खाना कोई ना खाए, महंगा तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन गंदा बहुत था खाना, ना पका था ना स्वाद था, ना नमक था ना मसाला था, ना बेक किया ना सॉटे किया। सॉटे के नाम पे कच्ची सब्जी डाल दी, और चाउमीन खाओ चाहे पाव भाजी खाओ चाहे पिज्ज़ा खाओ चाहे कुछ भी खाओ। गाइस यहाँ पे सबको थक चुका है, देख सकते हैं एक दीक्षा बैठ चुकी है, यहीं पे जहाँ मिला जाएगा वहाँ बैठ गई है। और यहाँ पे गुनगुन भी थक गई है, गोदी में आ गई है, और यहाँ पे सोनाली भी थक गई है। तो का ब्लॉग यहीं पे अब एंड करने का समय आ गया है। आज का आखिरी ब्लॉग है, आज का ये आखिरी ब्लॉग है, और हम लोग यहाँ से जाते हैं, बाहर कुछ खाते हैं और घर जाते हैं। घर जाते हैं, तब तक लिए बाय।